हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो है ये दोनों में से कौन सा स्ट्रेटनर आप पे सूट करेगा, यानी फ्लैट आयरन स्ट्रेटनर या फिर ब्रश। तो आज मैं आप लोगों का इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के यूजेस और आपके बालों पे कौन सा सूट करने वाला है। अगर जो लोग कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा स्ट्रेटनर लेना चाहिए, ब्रश लेना चाहिए या फ्लैट आयरन लेना चाहिए, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्प रहेगी मेरी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलें अब बात करते हैं इनकी। मैं ये दोनों यूज़ करके देख चुकी हूँ, मुझे किसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सा ज़्यादा ईजी लगा है या क्या इनके फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊँगी, कौन सा ठीक रहेगा कौन सा नहीं। सबसे पहले हम हेयर स्ट्रेटनर ब्रश की बात करते हैं। कुछ इस टाइप का दिखता है इसकी, ये जो पर्पल कलर की अंदर कोटिंग है यही हीट होती है, बाकी ऊपर से जो ब्लैक है ये नहीं होती। तो इससे कोई ऐसा नहीं होता हाथ वगैरह जलने का या कुछ भी जलने का। और यहाँ से इसका हीट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसके दो ऑप्शन हैं, इसमें एक है 170 और एक 200। आप उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं अपना टेम्परेचर। असल में ऐसा है कि ये आपको ये बहुत इजी टू यूज़ है, यानी इसे कैरी करना, इसे यूज़ करना बहुत सिंपल और ईजी है। बहुत आसानी से आप अपने बालों को जल्दी जल्दी ब्रश कर सकते हैं, यानी स्ट्रेट करते सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। यानी इसका रिजल्ट आप अगर हेयर स्ट्रेट करेंगे बहुत जल्दी आपके बाल जो है नॉर्मल अपने उसमें आने लग जाएंगे, स्ट्रेट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। तो लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी आपके हेयर को स्ट्रेट कर देता है, बहुत टाइम नहीं लगता, मुश्किल से मतलब 5 मिनट के आप अपने सारे हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं इस ब्रश से। और ये इससे ज़्यादा हेयर डैमेज होने का भी ख़तरा नहीं होता क्योंकि इसका हीटिंग वो काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हम फ्लैट आयरन की बात करें तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है और इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसका नंबर वगैरह, हमने कितनी हीट इसकी रखनी है। लेकिन इससे बहुत टाइम लगता है हेयर को स्ट्रेट करने में, तो इससे तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं हेयर को स्ट्रेट करने में। लेकिन यह कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, यानी काफ़ी टाइम तक हेयर स्ट्रेट रहते हैं। और लेकिन फ्लैट आयरन का एक ये भी फ़ायदा है कि ये इजी टू क्लीन है, यानी अगर हम स्ट्रेट करते हैं इसमें कोई बाल वगैरह नहीं फंसते, आसानी से हम साफ़ रहता है ये हमेशा। लेकिन ब्रश में थोड़े बाल फंस जाते हैं तो उसे क्लीन करना पड़ता है हमें। अगर इसकी वायर की बात करें तो इसकी वायर तकरीबन सेम ही है दोनों की, लेंथ इनकी देखें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें काफ़ी लंबी है दोनों की वायर, बहुत इजीली हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें, कहीं भी लगा कर अच्छे से स्ट्रेट कर सकते हैं अपने बालों को, कोई मुश्किल परेशानी नहीं आने वाली। तो ये देखें तकरीबन सेम है, सेम साइज़ है। तो ये इसका लगाने वाला कुछ इस टाइप का है जो ब्रश है, और जो स्ट्रेटनर फ्लैट स्ट्रेटनर है उसका कुछ इस टाइप का है, देख सकते हैं आप। अच्छा, जिनके बाल ज़्यादा कर्ली हैं, ज़्यादा थिक हैं, मोटे हैं, उनको फ्लैट आयरन ही लेना पड़ेगा, उनको फ्लैट आयरन ही लेना चाहिए। लेकिन अगर जिनके बाल शॉर्ट हैं और ज़्यादा कर्ली नहीं हैं, वो ब्रश भी ले सकते हैं। और ब्रश उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो ऑफिस जॉब करते हैं, जॉब वगैरह पे जाते हैं, उन्हें काफ़ी जल्दी होती है हेयर स्ट्रेट करने की, तो ये ब्रश बाय करें, वो उनके लिए परफेक्ट है, बेस्ट है। लेकिन अगर कोई घर में नॉर्मल लड़कियां लेना चाहती हैं कहीं जस्ट पार्टी पे या कहीं फंक्शंस पे हेयर स्ट्रेट करने के लिए, तो वो फ्लैट आयरन ले लें, फ्लैट आयरन उनके लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो
यकीनन आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को कौन सा स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो काफ़ी हेल्प मिली होगी। और इनकी प्राइस की बात करें तो जो फ्लैट आयरन है ये थोड़ा, इसकी प्राइस थोड़ी कम होती है, और जो ब्रश है इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा हेयर स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।